सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के जैसे एजेंसी का कठपुतली की तरह यूज होना शुरू हो जाए देश के अंदर। एलजी साहब ने उसको पूरा पढ़ा और उसके बाद साइन किए, उसके बाद वो पॉलिसी लागू हुई और हजारों करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, तो फिर बताइए घपला कहाँ हुआ? बीजेपी में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अंतर कर दिया जाएगा। जय साहब के साहब आज बीजेपी में है, आज जब पवित्र है क्योंकि इनका शुद्धिकरण किया गया है, इनकी महत्वाकांक्षा के लिए देश का बलिदान नहीं दिया जा सकता। देखिए किसी तरह का पतिजनक पोस्टर नहीं है, अब देश के हालात इस तरह पहुंच चुके हैं कि मोदी जी का हटना देश के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। जब देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जाए, संवैधानिक तौर पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के जैसे एजेंसीज का कठपुतली की तरह यूज होना शुरू हो जाए देश के अंदर, जो लीडर ईमानदार है, दूसरे पक्ष में बैठा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इनके खिलाफ बोलता है तो जबरन उनके ऊपर ईडी, सीबीआई की रेड्स करवाई दी जाती है। अगर तो वो डर के इनके अंदर इनकी बीजेपी में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अंतर कर दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने तक आ चुके हैं, तो इसका बदलाव का आना बहुत जरूरी है, देश को बचाना बहुत जरूरी है। शराब के नाम पर लूट हुई है तो फिर जांच ना होगा? शराब के नाम पर अगर लूट हुई है, जब इन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर एलजी जी के पास भेजा गया, तो एलजी साहब ने उसको पूरा पढ़ा और उसके बाद साइन किए, उसके बाद वो पॉलिसी लागू हुई और हजारों करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, तो फिर बताइए घपला कहाँ हुआ? लेकिन वो तो कह रहे घोटाला हुआ है। सर घोटाला तो ऐसे है, आम बंदे को भी ले लो, मेरे जैसे बंदे को ले लो, मोदी चाहे तो 1 करोड़ का घोटाला मेरा भी निकाल देगा, जिसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ना हो। बोला मैं कहता हूँ करे ईडी सीबीआई, जब नारायण राणे पे काम कर रही थी तो नारायण राणे जी बीजेपी में आ गए तो बंद हो गई जांच। जब शमेंद्र अधिकारी जी के ऊपर कोयला वंटन का केस था तो सीबीआई जांच कर रही थी, ईडी कर रही तो बीजेपी में आ गए। उसी तरह हिम्मत विश्वास उनके ऊपर शारदा चिट फंड का केस था, सीबीआई जांच कर रही थी, बीजेपी में आ गए। इसी तरह अर्जुन खटक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का गबन था, बीजेपी में आ गए, शिंदे ग्रुप में चले गए। रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा, कितने नाम गिनाऊं? जय साहब के साहब आज बीजेपी में है, आज जब पवित्र है क्योंकि इनका शुद्धिकरण किया गया है। शुद्धिकरण सुनिए, इनका शुद्धिकरण कैसे हुआ? इनका शुद्धिकरण बीजेपी की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से बनाए हुए दूध से इनका शुद्धिकरण हो गया, इनको क्लीन चिट मिल गई। अब जे हिंदुस्तान के चंबल के डाकू नहीं रहे, अब जे हिंदुस्तान के एक अच्छे नागरिक हैं, नारायण राणे जैसे मंत्री हैं, क्या कहते हैं अपने हिम्मत विश्वास जैसे असम के चीफ मिनिस्टर हैं, ये अब इनका शुद्धिकरण हो चुका है। तो हम तो जांच पहले जांच की ना, कितनी जांच करेंगे, बार बार जांच ही करते रहेंगे? ऐसे कौन सी जांच है जो पहले नहीं की इन्होंने सिसोदिया जी की? जहाँ तो ना की हो ना तो तब बात करें। हम सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये एक ऐसी सिक प्रॉब्लम हो चुकी है, उनको राह चाहिए, वो बाई हुक एंड क्रुक चाहिए, उसके लिए चाहे देश का बलिदान देना पड़े। आपने कभी एक बार खबर सुनी होगी, रघुराम राजन जी ने इंडिया टुडे में एक बात कही थी, उन्हें कहा था नो डाउट ही इज वेरी गुड पॉलिटिशियन बट ही इज नॉट ए गुड इकोनॉमिस्ट। ये दुर्योधन है और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के लिए देश का बलिदान नहीं दिया जा सकता। हाँ जय दुर्योधन और इसका महत्वाकांक्षा, इनकी महत्वाकांक्षा के लिए देश का बलिदान नहीं दिया जा सकता। पूरे विश्व में हमका सर कहाँ डंका बज रहा है? जब अभी और हमारे और प्राइम मिनिस्टर जाते थे उनके डंके नहीं बजते थे क्या? जहाँ हमारे किसी प्राइम मनमोहन सिंह हुए हैं उनके डंके नहीं बजे क्या? उनके इकोनॉमिक्स वो इतने बढ़िया इकोनॉमिक्स थे, देश ने तरक्की भी की है, सब कुछ है, क्या उनके डंके नहीं बजे? ऐसी कौन सी बात है? कौन प्राइम मिनिस्टर है जो बाहर जाए उसको दूसरा देश इज्जत नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता? ऐसा कभी हुआ है क्या? हमारे देश में भी कोई बाहर का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आएगा, हम उनको अपनी सुराखों पर बिठाएंगे, आँखों पर बिठाएंगे, हाथों पर उठा कर रखेंगे? ये रिस्पेक्ट तो देनी है। कौन किसने रुकवा दिया? हम रुकवा देते हैं तो रुकवा देते ना, फिर वैसे ही पूरा यूक्रेन उजड़ के रह गया, रुकवा देते जिस दिन शुरू हुआ था।
तभी रुकवा देते। एक साल हो गया युद्ध लगे हुए, अभी तक रुका नहीं है।